जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम कभी हूँ, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डीजे ड्रॉ और आप देख रहे हैं NN वार्ता कभी हूँ नॉर्थ ईस्ट। डिफू के पानबारे ब्रिज से एक लूटपाट की खबर सामने आई है। सोहमत अली, जो एक रद्दी सामान का व्यापारी है, गुवाहाटी से जब सामान बेचकर लौट रहे थे, 30 जून की शाम करीब 8:30 बजे पानबारी ब्रिज से पिंटू कुमार, जो सोहमत अली के ही जान पहचान का है। घटना तो कहो कि तारीख की हुई है? 30 तारीख रात 8:30 बजे कामरू जहाँ टाइम कामरू के नामी नामी पे आम लग दौरी से लग दौरी पे दलन तो पार हो फटकोरी भेट तो टान मारे पिंटू सिंह टाइम तो कह 8:30 আমি আহি পেলাই দলং পাৰ পালোঁ 8:30 পিন্টু সিং লগ ধৰি পেলাই হট কৰি মোৰ ভেটটো টান মাৰিলে টান মাৰিলে যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে এইটো কি কৰি আছো কি তেতিয়া তাৰ হাতত দেখিলোঁ এটা চাকু ধৰি দিছে। सोहमत अली रद्दी सामान के बेचे हुए 2,33,600 रुपए लेकर घर लौटते वक्त पिंटू कुमार ने पैसे का बैग सोहमत अली से छीन कर भागने की कोशिश करते हैं। जब सोहमत अली चीखने की कोशिश करते हैं तो लुटेरा पिंटू चाकू दिखाकर पैसे लेकर फरार हो गया। खबर के मुताबिक लुटेरा पिंटू कुमार व्यापारी सोहमत अली के लिए ही काम करता था। दो जुलाई को सोहमत अली ने पिंटू के खिलाफ FIR जारी करवाया। डिफू टाउन आउटपोस्ट में पुलिस ने दफा US 392 IPS केस नंबर 174/21 के तहत पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रीतम चंदा का ये रिपोर्ट। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, देखते रहिए NN वार्ता कर्बी मऊ नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।